इंडिया एजुकेशन कॉन्क्लेव 2019 हैदराबाद में ऑर्गेनाइज की जा रही है मेस्को हैदराबाद और ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट दिल्ली के कोलैबोरेशन से। ये कॉन्क्लेव जून 13 से जून 18 तक हैदराबाद, गुलबर्गा और बीदर में ऑर्गेनाइज हो रही है। 13 जून को इसका इनॉग्रेशन मदीना एजुकेशन सेंटर में जनाब एके खान, एडवाइज़र तेलंगाना स्टेट और ईरानियन कौंसलेट और ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के प्रेसिडेंट ख्वाजा शाहिद साहब और प्रोफेसर एसआई हसनैन, जो फॉर्मर वाइस चांसलर कैलकट यूनिवर्सिटी है, वो गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मेन थीम क्वालिटी एजुकेशन चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स पे है। क्वालिटी एजुकेशन इसलिए चूज़ किया गया है, अब कम्युनिटी को अवेयरनेस दिलाने की उतनी ज़रूरत बाकी नहीं रही। अलबत्ता इस अवेयरनेस हासिल होने के बाद उनको क्वालिटी एजुकेशन कैसा हासिल करना, उसके क्या चैलेंजेस है और उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, उसके बारे में मालूमात देना ज़रूरी है। हिंदुस्तान में 200 से ज़्यादा ऐसे इदारे हैं जहाँ इंटरनेशनली रिप्यूटेड है और वहाँ पर फीस हॉस्टल के साथ साथ 1 लाख से ज़्यादा नहीं है सालाना, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लाखों की फ़ीस होती है। अगर हम कम्युनिटी के बच्चों को इन इदारों की तरफ रागिब करें, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में अवेयर करें, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन इन इदारों में जो मौजूदा 1% से कम है, शायद इंशाल्लाह बढ़ के 5% होगा। और ये कोशिश की जाएगी इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैनेजमेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अवेयर करें और 2025 तक हम 10% रिप्रेजेंटेशन हमारे कम्युनिटी के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का इन क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में कराएं, ताकि इनका ना सिर्फ वहाँ रिप्रेजेंटेशन हो बल्कि ये जो सीट्स माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जो ले रहे हैं वो सीट्स मज़ीद और बच्चों के लिए भी अवेलेबल हो। 13 का जो कॉन्फ्रेंस है, बेसिक एजुकेशन, स्कूल ड्रॉप आउट और हायर एजुकेशन के बारे में कोचिंग, इसके अवेयरनेस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 14 को सालारजंग म्यूज़ियम में ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट का इनाग्रेट होगा, जिसमें जस्टिस MSA सिद्दीकी साहब, ब्रदर अमरुल्ला खां पेट्रन ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट, प्रेसिडेंट जनाब प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद साहब और टर्किश कौंसलेट मौजूद होंगे एज गेस्ट ऑफ ऑनर्स। इस दिन 14 जून को वुमेंस एजुकेशन पे मेस्को ऑडिटोरियम में डिटेल 4 सेशन में डिस्कशन होगा, जहां पर फैसिलिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के उन्वान पे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स मुल्क भर से जो आएंगे वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 15 को सुल्तानलोम एजुकेशन सोसाइटी के मुखौजा इंजीनियरिंग कॉलेज की फैकल्टी टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और रिसर्च पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक्स पे एक्सपर्ट्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपने मॉडल्स और एक्सपेरिमेंट्स का एग्जीबिशन शोकेस करेंगे। 15 को जो प्रोग्राम होगा, इसमें कौंसल जनरल अमेरिका, जो हैदराबाद में चीफ वीज़ा ऑफिसर है, वो चीफ गेस्ट होंगे, जनाब जफर जावेद सेक्रेटरी सुल्तानलोम एजुकेशन सोसाइटी और एके खान गेस्ट ऑफ ऑनर्स होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ IT तेलंगाना स्टेट के कमिश्नर भी टेक्निकल सेशंस में इंशाल्लाह इसमें हिस्सा लेंगे। शाम में 6 बजे के बाद अजा इंटरनेशनल स्कूल में इस्लामिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन के उन्वान पे लेक्चर होगा और 16 को मेस्को ऑडिटोरियम में मॉडर्न एजुकेशन, मदरसा स्कूल मैनेजमेंट और मेस्को का जो अरबिक लैंग्वेज प्रोग्राम है, इन टॉपिक्स पे सारा दिन प्रोग्राम होगा। जनाब मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जनाब मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे। 17 की सुबह ये डेलीगेट्स गुलबर्गा ख्वाजा बंदे नवाज यूनिवर्सिटी विज़िट करेंगे और गुलबर्गा के मुख्तलिफ इदारे और वहाँ के हिस्टोरिकल साइट्स विज़िट करेंगे
और 18 को शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिदर का मुआयना करेंगे। वहाँ पर बिदर इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी जनाब कदीर साहब हिफ्स प्लस प्रोग्राम के बारे में तफसीलात बतलाएंगे और जो कोचिंग क्लासेस माइनॉरिटी स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए की जाती हैं उसके एक्सपीरियंसेस इन डेलीगेट्स के साथ शेयर करेंगे। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ प्रीमियम इंस्टीट्यूशन डिलीवरिंग एजुकेशन फॉर द लास्ट 3 डेकेड्स अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब। शाहीन हैज एन एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग नीट रैंकर्स। So far, more than 1,200 Shaheenians have secured free government MBBS seats. Now, Shaheen Group in Hyderabad is offering 2-year NEET program and IIT JEE main program for SSC or 10th pass students. Air-conditioned digital classrooms and seminar hall. Well-experienced lecturers. Separate block for girls. No mobiles, no automobiles. Admissions open. Classes start from 12th June 2019. Shaheen Academy in center of the city, located at Malakpet next to Suhail Hotel besides Bethlehem Church.